हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हु इज ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है और कौन आपके लिए सोच रहा है, हु इज दिस एंड व्हाई। सबसे पहले हम देखेंगे कौन है ये पर्सन और क्यों आपको लेकर ऑब्सेस्ड है या क्यों आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टा का अकाउंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो प्लीज़ चेक इट आउट एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई ऑल अकाउंट्स, ठीक है। सो आप पॉजिटिव रहिए, वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट हो सके। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि कोई भी रीडिंग आप मिस ना कर सकें। नाउ लेट्स सी हु इज ऑब्सेस्ड, कौन है ये पर्सन, हु इज दिस पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड ऑब्सेस्ड फॉर यू, हु इज ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स, व्यूअर्स लाइक फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेकर आती रहूँगी। एज मच एज यू कैन सपोर्ट मी, उतना ही मैं इस चैनल पे रीडिंग जो है वो लेकर आया करूँगी। नो टॉपिक्स पे आप चाहो तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो। सो फर्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स, लव्ड इट। देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। Then we have number 3, Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Who is obsessive and thinking about my viewers? Then we have the Emperor, Aries. Number 4 important ho sakta hai, 31, 37, 34 age ho sakti hai is person ki. Then we have Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 36, 46 एज हो सकती है, 47, 41। देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 23, 27, 26, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द मून। डेफिनेटली गाइस, ये कौन है जो आपकी तरफ काफ़ी ऑब्सेस्ड है या फिर आपके बारे में सोच रहा है। दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, जिसने या तो आप लोगों को किसी तरह से ज़्यादा अपना एक्सप्रेस नहीं किया था, ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट और दिस पर्सन कुड बी योर एक्स, यस, या फिर ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप लोग यू नो यू आर स्टडिंग टुगेदर, या और ये इसकी इमोशंस जो हैं थे वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, इसने मुझे लगता है आपको एक्सप्रेस नहीं किया। अगर ये आपके पास से पर्सन भी है तो इसने आपको इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं किए हुए गाइस। दिस पर्सन वर इनसिक्योर टू शेयर देयर फीलिंग्स विद यू, दैट्स व्हाई इसने अपने तक इमोशंस रखे, आपको एक्सप्रेस नहीं किए, यस, या फिर इनको इमोशंस शो करने से थोड़ा डर लगता है, दैट्स व्हाई। तो अभी जो है ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो आपको अपने एक्सप्रेस नहीं किए इमोशंस और आपके दरमियान बातचीत नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, डेफिनेटली ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास से है, यस, और अभी इनकी ग्रोथिंग जो चल रही है वो अभी इस पर्सन का पीरियड चल रहा है अपने आप को हील करने का। मे बी इस पर्सन को किस तरह का चाइल्डहुड ट्रोमा हो सकता है या फिर कोई हीलिंग लाइक चाइल्डहुड हीलिंग का कोई प्रॉब्लम है, दैट्स वाई, बट इसको हीलिंग की ज़रूरत है ये पर्सन को, यस। तो राइट नाउ इनको डिसीजन लेना है किसी तरह से, इनसिक्योरिटीज़ जो हैं उधर से इस पर्सन को निकलना है, इनसिक्योरिटीज़ को हील करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं ताकि ये हील हो सकें और देन दे विल डेफिनेटली ओपन देयर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, या ये इस टाइम सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा अवर एनालाइज कर रहे हैं ताकि किसी तरह से ये अपने हार्ट को फॉलो कर सके और आपको बता सके कि ये आपको पसंद करते हैं। ये पर्सन अपने आप को खुश करना चाहता है इस टाइम इंस्टेड ऑफ अदर्स। ये लोगों को यही प्रिटेंड करता है कि जैसे ये पर्सन बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, बट इनरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा
इमोशंस को एक्सप्रेस करने की वजह से अपने आप को वीक फील करता है. या बट मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है, ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे. यस, फादर फिगर और मदर फिगर हो सकते हैं ये, बट ये आपको चाहते हैं. दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स बट दे स्टिल वॉन्ट यू, और ये आपकी तरफ एक लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं. डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको लेकर इनके काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं. अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से सिचुएशन ये है कि वो आपके साथ डीप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ से उनको एक यू नो स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है, दैट्स वाई. किसी तरह से मुझे लगता है आपको ये पर्सन लव लेटर भी लिख सकता है. यस, किसी तरह से लव लेटर या फिर कोई लव मैसेज भी आपको सेंड कर सकते हैं. बट डेफिनेटली दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, एंड दिस पर्सन इज वेटिंग. ये वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ ले, ये इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए. कुछ लोगों का ये पर्सन हो सकता है आपकी वर्क प्लेस से हो सकता है, जहाँ पे आप लोग काम करते हो, और बहुत ही ज़्यादा ये आपको देखते हैं कि आप काफ़ी वॉइस हो, काफ़ी ज़्यादा आप या फिर ये पर्सन, दोनों में से कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है. यू गाइस आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. किसी तरह से हो सकता है ये पर्सन को किसी तरह से कोई अचीवमेंट मिली है, अवार्ड मिला है, या फिर कोई स्कॉलरशिप लगी है. मुझे लग रहा है ये आपका ऐसा पर्सन है कोई जो आपके स्कूल कॉलेज से है, यूनिवर्सिटी से है, जहाँ आप लोगों ने सेम प्लेस पे स्टडी किया था. कुछ लोगों की वर्क प्लेस भी सेम दिख रही है मुझे यहाँ पे. बट ये फ्यूचर प्लान करता है गाइस, आप लोगों के साथ फ्यूचर में ये एक्सप्रेस करना चाहता है आपको जो इस टाइम फील कर रहे हैं, जो इनसिक्योरिटीज थी जो आपको पहले बता नहीं सके थे, या बताना चाहता है ये. क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे फीलिंग्स सीक्रेटिव थी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव थे पहले अपने इमोशंस को लेके, दैट्स वाई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इन्होंने आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, और उस वजह से शायद काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिले हो गई. बट अभी ये पर्सन आना चाहता है जल्दी से आप लोगों की तरफ, और मुझे लग रहा है ये अनएक्सपेक्टेडली ये आपको मैसेज करेगा, या फिर खुद ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे अनएक्सपेक्टेडली, लाइक सडनली. यस, क्योंकि ये चैलेंजिंग सिचुएशन इस पर्सन की खुद के लिए है, लेकिन इनका चैलेंज खुद के साथ है, इनकी बैटल अपने साथ है कि मैंने आपको एक्सप्रेस करने हैं इमोशंस, एंड दैट्स इट. या इस पर्सन का स्टार साइन जो है वो कैंसर या पाइसिस भी हो सकता है. ऑलरेडी यहाँ पे वाटर एनर्जी है, तो मैं आपको इस पर्सन के कुछ लेटर्स बता देती हूँ. नंबर्स मैंने आपको बता दिए क्या, यहाँ पे नंबर 18 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी तरह से, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए. अगर मैं इस पर्सन के लेटर्स की बात करूं यहाँ पे नेम के लेटर के, तो ए जी एच जी यू एच एम आई हो सकता है. इस पर्सन के नेम में डबल एच आता हो. यस, के एन, यस, ये मुझे दिख रहे हैं अभी तक नंबर्स और इनके लेटर्स. नाउ लेट्स सी व्हाट, हु इज दिस ऑब्सेसिवली एंड थिंकिंग अबाउट यू, ऑब्सेसिव एंड थिंकिंग अबाउट यू. ये आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं एक न्यू फ्रेश रिलेशनशिप का ऑफर, रोमांटिक ऑफर, या फिर कुछ लोग जो हैं वो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं. कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा बिजनेस पर्सन हो सकता है, या फिर किसी तरह से गवर्नमेंट किसी सेक्टर में हो सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी जो है वो एक स्टेटस हो सकता है. कुछ लोगों का ये बॉस भी हो सकता है, कुछ लोगों का टीचर भी हो सकता है, बिकॉज एनर्जी यहाँ पे मौजूद है. नाउ लेट्स सी मोर, थोड़ा सा इधर से भी देखते हैं. देन वी हैव ईगो, वैनिटी एंड प्राइड. बट दिस पर्सन फील्स के या तो आप लोगों में कुछ ईगो है, या फिर इस पर्सन में खुद कुछ ईगो है, ठीक है, या दमून की एनर्जी है. ईगो की वजह से या फिर किस तरह से इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, एरोगेंट की वजह से इसने आपको शायद अपने इमोशंस बताए नहीं है, या फिर इनको लगता है कि ये आपसे कमतर हैं, दैट्स वाई ये पर्सन इतना खूबसूरत नहीं है. आप ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, या इनको लगता है आपको अपनी खूबसूरती का काफ़ी घुमंड है, दैट्स वाई. देन वी हैव
एपिथनी एंड ब्रेक थ्रू. यस डेफिनेटली दिस इज द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट गाइस, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के इनकी ईगो इनको रोक रही थी. एक ये भी चीज मुझे दिख रही है. यस बट ये आना चाहता है गाइस. देन वी हैव एल्केमी एंसेस्टर गाइस, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू एंड ये अप्रोच करने के लिए किसी ना किसी तरह से कोई तरीका ढूंढ रहा है गाइस. किसी ना किसी से गाइड भी ले रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया. ये वो पर्सन भी हो सकता है जो ऑलरेडी आपके साथ ब्रेकअप करके चले गया था, आपको छोड़ के चले गया था. बट राइट नाउ दिस पर्सन इज कन्फ्यूज कि हाउ टू अप्रोच यू, हाउ टू टॉक टू यू एंड हाउ टू टेल यू कि ये आपको अभी भी पसंद करते हैं, आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, आपसे अभी भी ऑब्सेसिवली काफ़ी अट्रैक्टेड है और आपके साथ फ्रेंडशिप या अपना रोमांटिक कनेक्शन जो है वो मिस करते हैं. कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन भी है. देन वी हैव रिन्यूअल एंड स्पार्क. यस ये स्पार्क देखते हैं अभी भी आपके अंदर. इनको लगता है कि आप लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, दैट्स वाई ये एक आपके कनेक्शन का रिन्यूअल करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहता है. दिस पर्सन फील्स कि आप लोग अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, दैट्स वाई दे वॉन्ट टू अप्रोच यू. ये आपको अवॉइड करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहा, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा ये पर्सन. स्टिल इसको पेन होती है आपको देख के. ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग, बट दिस पर्सन स्टिल हैव ट्रस्ट कि डिवाइन टाइमिंग पे आपकी मीटिंग होगी, डिवाइन टाइमिंग पे ये पर्सन और आप खुद बखुद एक दूसरे के करीब आओगे. मर्करी मैसेज ट्रैवल कम्युनिकेशन, यस आपसे कम्युनिकेशन करेगा गाइस ये पर्सन. हीलिंग एंड इनर चाइल्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना इस पर्सन का कोई इनर चाइल्ड का ट्रॉमा है जिसको हील करने की ज़रूरत है, ये हील कर रहा है उस चीज़ को. और हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी आप इस चीज़ पे बात भी की हो, बट बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. यस इनको अपने दिल की बात कहने में प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की अगर कोई फील्ड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है या इस पर्सन को बहुत ज़्यादा किसी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर है या बातचीत करनी पड़ती है, अपने काम को लेकर बोल लेता है ये पर्सन. लेकिन जब अपनी फीलिंग्स की एक्सप्लेन करने की या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बात आती है तो ये पर्सन नहीं कर पाता, यही प्रॉब्लम आती है बीच में. बट ये इनको ट्रस्ट है कि डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये एफर्ट करना चाहता है. इसका चैलेंज इस पर्सन के साथ खुद के है कि ये आपको आएगा और बताएगा ये जो भी सोच रहा है और जो भी आपके लिए फील कर रहा है. ओके सो दिस इज योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.